बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड अपना काम कर रहे थे और साथ में मुझे कह रहे थे कि आप भी ले लो, पसंद कर लो। मैंने कहा ठीक है। और जी ये है फ्राइडे का, तो यहाँ पर जी मेरे बेटे ने पहना था कुर्ता पजामा और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा शर्ट है। तो ये ना अब्दुल हादी के पापा ने अपनी शर्ट बनवाई थी और अब्दुल हादी का कुर्ता बनवाया था, और कुर्ता अब्दुल हादी को इतना ज़्यादा पसंद है कि वो हर फ्राइडे को कुर्ते की वजह से रोते हैं। तो मैंने कहा चलो तो पहन लो, मैंने कहा मत पहनना इसे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो वो अब्दुल हादी के पापा कहते कि नहीं जीन्स पे पहना देना, मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पर जी अब्दुल हादी अपने लिए और सारा के लिए लेकर आए थे ये। और उसके बाद जी ये है सैटरडे का, तो मेरे ना आजकल कपड़े नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपको पता मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाए। तो यहाँ पर हस्बैंड ने मुझे कपड़े दिए थे कि आप इन्हें सिलवा लो, तो मैंने कहा चलो आज जाती हूँ। तो जी हमारे ससुराल में से सबने सिलवाए उनके हाँ, तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, अदीबा को लेकर जा रही थी, उनको पता था। और साथ में मैंने बच्चों का कुछ स्कूल का सामान था और छोटी बेबी के थे डायपर वगैरह, तो मैंने कहा ये डायपर भी लेती हूँ। और ये है उनका घर, तो यहाँ पर बस मैं देकर चल दिए थे हम, क्योंकि मैंने नहीं बनाई थी, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा था आप लेस ना वहाँ पर पसंद कर लेना, अगर आपको पसंद आएगी। तो फिर मैं ना इस शॉप पे आ गई थी, पहले भी मैंने ये शॉप दिखाई आपको, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी है। पहले इनकी छोटी थी और कहीं थी, लेकिन अब ना ये बड़ी इनकी अपनी है। तो फिर मैं यहाँ पर देख रही थी, मुझे कुछ लेस पसंद आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, कुछ एक्स डिज़ाइन हो रहे थे, तो मैंने इसमें और कलर मतलब और डिज़ाइन दिखा दो इस कलर में, तो समझ नहीं आ रहा था वो दिखा रहे थे। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा आप थोड़ी सी मुझे लेस दे दो ये, तो उन्होंने ना थोड़ी सी मामूली सी दी थी, तो मैंने उनको उनसे ले ली थी। और ये गले थे, मैंने कहा चलो ये आपको दिखाती हूँ। उसके बाद जी मैं दोबारा आ गई थी, तो उन्होंने कहा ये मत लेना आप, ग्रे कलर की लाना, ये दूसरे कलर की लाना। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जी मैं घर पर आ गई थी और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितना ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। साथ में ये सारा के लेकर आई थी, सारा को सैटरडे में दिखानी होती है ड्राइंग, लेकिन सारा मुझे इतना परेशान कर देती है, टाइम से पहले काम कराती है कि मम्मा नहीं मेरे लेकर आना, मेरा काम करना। और जी फिर मैं आ गई थी ऊपर और साथ में ये डायपर लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो ये भी रखते हैं, ये ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत बन गई है जी हमारी। तो बस ये डायपर रखे, और बच्चों ने कहा मम्मा पहले हम लस्सी पियेंगे, आप खाना बाद में बनाना, मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर जी मैं अब्दुल हादी और सारा के लिए लस्सी बना रही थी। अच्छा कौन कौन पीता है लस्सी? दही की लस्सी मेरे बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं, तो मैं शौक से ही बनाना पसंद करती हूँ, मैंने कहा चलो किसी भी बहाने से खाएं। और कुछ ये इस आइस की वजह से खाते हैं, बर्फ़ की वजह से इन्हें बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा ठीक है चलो। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर बन गई थी मेरी लस्सी, और लस्सी ना अब्दुल हादी शौक़ से पीते हैं, इसलिए क्योंकि वो आइस ग्लास में डलवाते हैं, उन्हें आइस अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जी मैं साथ में सारा के और अब्दुल हादी के लिए ले जा रही थी, और अब्दुल हादी का ना ग्लास टूट गया, तो मैंने उनको ये वाला ग्लास दिया कि आप इसमें पीना, सारा स्टील के में पीती है। और जी यहाँ पर जी हस्बैंड लाए थे चिकन, और चिकन का उन्होंने कीमा नहीं दिया था, जिनसे वो लाते हैं उनकी शॉप बंद थी, तो मैंने कहा चलो मैं घर पर ही बना लूँगी कीमा, इस तरह से बना लेती हूँ। और यहाँ जी मेरे सब काम से हो गई थी जी फारिक, तो यहाँ पर मैंने बर्तन वॉश किए, और ये था, और ये सालन हम दोपहर के खाने में खाएंगे। मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, और आजकल मेरी छोटी सी बच्ची है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है काम की भी, और मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे, आप देख रहे होंगे, मैं कोशिश करती हूँ डालने की लेकिन वो टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ जी मेरे बर्तन भी वॉश हो गए थे और दूध भी बॉयल हो गया था, और साथ में जी अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, और हस्बैंड तो मुझे चाय बनाने ही नहीं देते, लेकिन मैं उनसे बनाने के बाद बताती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कड़क चाय पीती हूँ, इसीलिए मुझे डांट पड़ती है बहुत ज़्यादा, वो मना करते हैं। और यहाँ पर जी ये मैं चिकन सालन रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि आप मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और उसके बाद जी मैं एक चाय में बॉयल लेकर चली जाऊँगी नीचे, क्योंकि मुझे ना कड़क चाय पसंद है, और
कड़क ही डांट पड़ती है मुझे। और यहाँ पर जी सारा अपने काम कराती है, बहुत सैटरडे में दिखानी होती है सारा को, लेकिन कहती पापा अभी बनाना अभी बनाना, और खुद ना वो कहते कहते सो गई। और यहाँ पर जी कंप्लीट कर दी थी सारा के पापा ने, तो सारा का कहना भी बहुत जल्दी पूरा करते हैं, तो यहाँ पर जी इन्होंने ये बनाई थी सारा की। सारा के काम ना अब्दुल आदि के दोनों के पापा ही करते हैं, मैं नहीं करती। और यहाँ पर मैं टाइम दिखाई थी, रात का टाइम था, तो आज मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे थोड़ा सा काम करना है, और जब बेबी गर्ल उठेगी तो मैं आ जाऊँगी, आवाज़ आएगी मुझे, तो वो मुझे डांट रहे थे कि नहीं नहीं बस चुपचाप सो जाओ चुपचाप सो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं ना थोड़ा सा काम करके आ रही, तो मैं हाथ पैर जोड़ कर आई थी जी, तो मुझे ना ये अपना बेड की क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कभी करी नहीं थी, क्योंकि इसके ऊपर ये थी तो ऊपर ऊपर से ही साफ़ कर देती थी। लेकिन आज मैंने इसको उतारी, मैंने कहा मैं इसको उतार कर वॉश करके इसको दोबारा लगाना, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी, तो हस्बैंड मना कर रहे थे कि नहीं। और यहाँ पर जी मैं आपको करीब से दिखा रही थी, रोशनी से, मोबाइल की रोशनी से दिखा रही थी, आपको नज़र आएंगे इस पे ब्लैक ब्लैक से निशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इनको मुझे साफ़ करना है अच्छे से। और मुझे काफ़ी टाइम से लग रही थी, लेकिन मैं मतलब सालों से मैंने वैसे भी बेड जैसे मैं साइडों से साफ़ करती थी वो भी नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा आज करूँगी। और यहाँ मैंने इसको सबसे पहले वॉश किया, उसके बाद जी मैंने यहाँ पर देखो इससे ना मैं बहुत अच्छा होता है, दिल खुश हो गया था मेरा। और जगह तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, लेकिन इस जगह मैंने फ़र्स्ट टाइम करा था, तो मैं आपको इसका डस्ट भी दिखाती हूँ, कितने आराम से उतर गया था मेरा, बड़ा दिल खुश हुआ मेरा, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे सुकून सा मिल रहा था। तो यहाँ जी इससे करती हूँ मैं, आप बताना कमेंट में आप कहाँ से करते हो। और माशाल्लाह जी मेरा बेड चमक गया था, मेरा दिल खुश हो गया था, मुझे लगा नहीं कि मैंने मेहनत की थी, लेकिन मेरी बेबी गर्ल उड़ गई थी, तो हस्बैंड ने फिर मुझे डांट लगाई। और मैं जल्दी जल्दी बेड की साइडें भी साफ़ करके अच्छे से चली गई थी, साइडें तो अक्सर साफ़ करती रहती हूँ, तो फिर जी मैं चली गई थी नीचे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।